हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत केस में पटना में जो FIR दर्ज हुई है उसको CBI को सौंपने की सिफारिश राज्य सरकार ने की और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि उस सिफारिश को वो मानने जा रही है, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इस बारे में। ये पूरी प्रक्रिया क्या कानूनी तरीके से सही है, इस बारे में हम बात करते हैं पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस VN सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब, बहुत लंबा आपका अनुभव है, बहुत सारे मामले आपने देखे हैं, ये मामला क्या थोड़ा अलग लगता है कि एक राज्य में FIR हो गई, दूसरे राज्य में हुई घटना की? ना सिर्फ FIR हुई, अब CBI को भी जांच दी जा रही है, सेंटर भी उसको स्वीकार कर रहा है, क्या ये कानूनी तौर पर ठीक है? देखिए, बिहार सरकार, बिहार पुलिस ने एक FIR रजिस्टर किया सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी के स्टेटमेंट के बेसिस पे। जब उन्होंने रजिस्टर किया तो ये समझा जाता है कि उस स्टेटमेंट से वो सेटिस्फाइड थे बिहार पुलिस वाले कि ये ऑफेंस सब्सटेंटिव क्रिमिनल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है, और अगर सब्सटेंटिव क्रिमिनल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा है तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया है उसके बेसिस पर वो सेक्शन 154 CRPC में एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करें, जो इन्होंने दर्ज किया। दर्ज करने के बाद उस FIR को, क्योंकि वो सब्सटेंटिव ऑफेंस डिस्क्लोज कर रहा था, वहाँ के सरकार ने, बिहार सरकार ने ये समझा कि ये सिंस कनेक्टेड अकरेंस एक्चुअली हुई है मुंबई में, तो उन्होंने सोचा कि बिहार पुलिस में हैव सम डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग द प्रोब एट मुंबई, सो दे थॉट इट बेटर टू रेफर द FIR फॉर बीइंग टेकन ओवर बाय CBI, सो दैट CBI विल collect the other materials on the basis of this present FIR from Mumbai and then proceed with the investigation. तो ये जो अभी सब्सटेंटिव FIR बिहार में हुआ है, इसका रेफरेंस मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जान करके भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, बॉम्बे पुलिस को और कंसर्न पार्टीज को नोटिस दिया है। वो ये जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस जो अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, बॉम्बे पुलिस, वो उनका इन्वेस्टिगेशन 174 CRPC के तहत वो राइट डायरेक्शन पे है कि नहीं, और अगर क्रिमिनलिटी डिस्क्लोज कर रहा है मटेरियल्स, तो इन दैट लाइट दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो भी रजिस्टर करेंगे मुंबई पुलिस। लेकिन तब ये सवाल उठेगा कि अगर एक डेढ़ महीने से वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सेक्शन 174 CRPC में, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स के बेसिस पर जो होता है, तो ये कुछ समय कुछ ज़्यादा लग जाने के वजह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं साहब, वो केस भी अब ये CBI ही देखेगी। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि इस बीच में ये जो एक डेढ़ महीने का समय निकला है राजपूत जी के सुसाइड कमिट करने के बाद और आज तक, उस बीच में मुंबई पुलिस ने क्या किया। ये सवाल ये बन रहा है कि एक जगह घटना होती है, उसकी FIR किसी दूसरे राज्य में करवाई जाती है कंप्लेनेंट की तरफ से, जो विक्टिम के जो पिता हैं उनकी तरफ से, वहां की पुलिस FIR भी दर्ज करती है, जांच भी जाकर शुरू कर देती है मुंबई में, और अब वहां की सरकार केंद्र को कह रही है कि CBI को जांच दे दीजिए, और केंद्र भी तैयार है। ये ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब बिहार सरकार ऐसा कर सकती थी, और केंद्र अगर नोटिफिकेशन जारी करता है तो वो कानूनी रूप से सही होगा? ये नोटिफिकेशन एकदम सही है, बिकॉज अभी बॉम्बे में तो कोई FIR रजिस्टर्ड है नहीं, वहां तो 174 CRPC की प्रोसीडिंग्स के तहत ही इंक्वायरी चल रही है, तो वो इंक्वायरी वो कर रहे हैं, और उस इंक्वायरी के तहत उन्होंने स्टेटमेंट्स कलेक्ट किए हैं। उस स्टेटमेंट में क्या रेलिवेंट है नहीं है वो जानने के लिए इस सब्सटेंटिव FIR के बेसिस पर यहाँ बिहार पुलिस वहाँ गई थी। अगर दोनों पुलिस, क्योंकि सब कुछ दोनों पुलिस का काम तो यही है डिस्कवर करना कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया
या उसको सुसाइड करने के लिए किसी ने अबेट किया, और अगर अबेट किया तो उसके लिए प्रलोभन क्या था, ये जानने के लिए ही बम्बई पुलिस भी लगी हुई है और यही जानने के लिए बिहार पुलिस लगी हुई है। और बिहार पुलिस ने आज तक एक FIR रजिस्टर कर लिया है जो कि मुंबई पुलिस ने नहीं किया है, तो इस वजह से ये सारा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। क्या ये देखे जाने की जरूरत नहीं है कि बिहार में जो FIR हुआ वो वहां हो सकता था या नहीं हो सकता था? क्योंकि अगर कोई पीड़ित है किसी चीज से, कंप्लेनेंट है और उसको असुविधा है कहीं पर जाने में, तो वो किसी भी जगह पर जाके 0 FIR कर सकता है, वो ट्रांसफर हो जाता है इंस्टेंटली। लेकिन यहां पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली प्रॉपर, उसकी जांच भी शुरू कर दी, तो क्या ये देखने की जरूरत नहीं है कि क्या वाकई पटना पुलिस FIR को दर्ज कर सकती थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा? ये जिन्होंने पटना में मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के फादर ने स्टेटमेंट दे करके रजिस्टर करवाया है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये जरूर डिस्क्लोज किया होगा कि किस वजह से उन्होंने मुंबई पुलिस में ये स्टेटमेंट अपना नहीं दिया, या स्टेटमेंट अगर दिया था तो उस स्टेटमेंट का क्या हुआ, ये सब मेरे समझ से उन्होंने जरूर डिस्क्लोज किया होगा। मैंने वो FIR देखा नहीं है, लेकिन ये पटना पुलिस ने जरूर उनसे पूछा होगा, और उन्होंने खुद स्टेटमेंट नहीं भी दिया होगा तो उनके फर्दर स्टेटमेंट में पटना पुलिस ने जरूर पूछा होगा कि साहब आप तो ये सारी बात मुझसे कह रहे हैं, तो इसके पहले अकरेंस वहाँ हुआ है, वहाँ जाकर के आपने क्यों नहीं कहा? अब उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है ये तो या FIR में पता चलेगा इनके द्वारा रजिस्टर किया हुआ, या नहीं तो उनके फर्दर स्टेटमेंट जो कि 161 CRPC में बिहार पुलिस ने दर्ज किया होगा उसमें होगा। मैं दर्शकों को थोड़ा संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जज साहब क्या बता रहे हैं हमें। इनका कहना है कि तकनीकी रूप से अगर कोई वजह सुशांत के पिता ने बताई थी पटना पुलिस को कि क्यों दर्ज करवा रहे हैं FIR यहां पर, और उनको ऐसा लगा पटना पुलिस को कि वजह बनती है, यहां पर भी अपराध का कुछ हिस्सा जुड़ता है, तो FIR करने में कोई गलती नहीं थी, और तकनीकी रूप से अगर बिहार सरकार सिफारिश करती है और केंद्र सरकार भी जाँच दे देती है CBI को, तो तकनीकी तौर पर वो गलत नहीं है। हालांकि एक ये समीक्षा का विषय है कि क्या वाकई वजह बनती थी पटना में भी FIR दर्ज होने की। महाराष्ट्र में जो FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज ही नहीं हुई है, वहां पर अभी तक प्राथमिक जांच चल रही है मुंबई में, तो अगर महाराष्ट्र की पुलिस बताती है सुप्रीम कोर्ट को कि अब उनकी प्राथमिक जांच किसी अंजाम तक पहुंची है और वो FIR दर्ज करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये कॉल लेगा कि जांच मुंबई की पुलिस करेगी या CBI करेगी? ये कॉल सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। अब एक और अहम बात समझ लेते हैं इनसे। सर ये बताइए कि लेकिन ये एक विचित्र सा उदाहरण नहीं बन जाएगा, कल को कोई भी कभी भी किसी भी राज्य में घटना हो और दूसरी जगह कोई ना कोई वजह भी हो सकता है कि मिल जाए, छोटी मोटी वजह भी मिल जाएगी किसी अपराध का, किसी राज्य मुंबई में घटना हुई है तो उसका चेन्नई में भी कुछ थोड़ी सी वजह मिल सकती है कि अपराध का एक हिस्सा यहां तक आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से FIR दर्ज हो जाए और CBI को जांच भी सौंप दी जाए, तो फिर राज्य सरकार कहां गई? उसका जो अधिकार क्षेत्र है कि कानून व्यवस्था को देखना या इन्वेस्टिगेशन को देखना, पुलिसिंग जो अधिकार है राज्य सरकार का, वो तो बिल्कुल, ये फेडरल स्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत है कि भविष्य में अगर ऐसी चीजें फिर होती हैं तो एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि कौन FIR करेगा, CBI को कौन सिफारिश करेगा, CBI किस तरह से जांच लेगी? ये देखिए, ये व्यवस्था ऑलरेडी है कि कौन FIR करेगा और कौन CBI को सिफारिश करेगा, ये सारी व्यवस्था अभी ऑलरेडी प्लेस में है। सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने अपने स्टेटमेंट में जो वजह बताया है, अगर वो वजह सपोज कीजिए कि वो मुंबई पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आई वॉन्ट टू रजिस्टर ए केस फॉर दिस सुसाइड इज नॉट ए सुसाइड, इट इज़ ए मर्डर केस, और अगर मुंबई पुलिस के जो भी कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे उन्होंने रजिस्टर करने से में आनाकानी की या कुछ अपनी मजबूरियाँ बताई, तो इस सरकमस्टांस में राजपूत के पिताजी के पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव यही था कि वो बिहार लौट करके आवें और उन्हें अपने प्रदेश में FIR लॉन्च करें। तो अब ये क्या बात हुई है, अगर उन्होंने वहाँ किया और नहीं रजिस्टर हुआ तो उनके पास तो फिर एक ही ऑप्शन था कि बिहार आकर के रजिस्टर करें, और नहीं तो वो बेचारे कहाँ जाते। ये एक ऐसा सवाल है क्या कि जिसपे
एक बार पूरी तरह से इसके सारे पहलू को, इस केस से संबंधित नहीं लेकिन ओवरऑल भी, कि कहां पर कौन एफआईआर करे और किस तरह से जांच हो और सीबीआई को कब किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, ये विषय एक बार पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई विरोधाभासी स्थिति देखने को ना मिले। देखिए सैगल साहब, ये स्थिति एकदम क्लियर है। जब कोई स्टेटमेंट जो किसी पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जा रहा है वो क्रिमिनल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि उसको उस स्टेटमेंट को एफआईआर में रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पर ड्रॉ कर लेना है अगर ऑफेंस डिस्क्लोज करता है। ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करता है तो आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफेंस डिस्क्लोज करता है तो आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके उसको इन्वेस्टिगेट करना है, ये आपकी ड्यूटी है। तो अब ये अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी मुंबई में जब उनको ये सब पता चला, वहाँ पहुँचे वो और उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर करने की, मान लिया जाए कोशिश की, और लोगों ने रजिस्टर नहीं किया या किसी ने रिफ्यूज़ किया, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था बट टू रिटर्न। लेकिन 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 सर, ये तो फिर वही बात हुई ना कि अगर उन्होंने कोशिश की, अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की और सीधे पटना में जाके एफआईआर कराई, तब भी क्या ये लीगली ये उचित होगा? हाँ, ये जब पटना पुलिस उनके इस स्टेटमेंट को देखेगी और उस स्टेटमेंट के बेसिस पर कनेक्टेड रिकॉर्ड मुंबई से मांगेगी, मुंबई पुलिस को, कि आपके यहाँ ऐसे ऐसे फलाने दिन गए थे, उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, लिख के दिया, और तब उसके बेसिस पर उसका जो रिप्लाई आएगा उसके बेसिस पर ये तय होगा कि साहब ये सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी यहाँ गलत बात बोल रहे हैं या सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं ना हैं। केंद्र अगर नोटिफिकेशन जारी कर देता है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है रिया चक्रवर्ती की याचिका पे कि मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर देना चाहिए, कोर्ट ने जवाब भी मांगा है, हालांकि जवाब में जांच की रिपोर्ट भी मांगी है देखने के लिए कि कहां तक जांच पहुंची है, पर क्या ये केंद्र का जो नोटिफिकेशन है इसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है कि नहीं सीबीआई को देने की जरूरत नहीं थी और ये गलत तरीके से दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है? इसका मेरिट उस नोटिफिकेशन को अगर कोई चैलेंज करेगा तो उसके मेरिट को देखा ही जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज में अपने स्तर पर देखेगी या वो कह देगी कि हाई कोर्ट में जाकर के आप उस नोटिफिकेशन को चैलेंज कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा। तो जस्टिस वीएन सिन्हा हमें बता रहे हैं कि तकनीकी रूप से कुछ भी गलत नहीं है, कि बिहार सरकार ने सिफारिश की, अपने पास जो एफआईआर दर्ज हुई थी और केंद्र ने भी उसको मानने का फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा। एक तो महाराष्ट्र में जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट को भी देखेगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर चाहे तो इसकी वैधता पर भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि क्या बिहार में एफआईआर होनी चाहिए थी और उसको सीबीआई में ट्रांसफर किया जा सकता है, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। लेकिन फिलहाल हमें ये यही बता रहे हैं कि तकनीकी रूप से अगर ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार जारी करती है तो वो अपने आप में गलत नहीं होगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।